आज हम एक यूनिक इंडिया का 4.5 रेटिंग वाला एक आश्रम दिखाने के लिए पहुंचे हैं बरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। तो क्या क्या चीजें आप लोगों को दिखने को मिलेगा यहाँ ये आश्रम के अंदर में, तो हम दिखाएंगे क्यों ये यूनिक है। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को बिल्कुल मजा भी आ जाएगा, साथ ही साथ में पता भी चल जाएगा कि ये कैसे वर्ल्ड फेमस एक आश्रम बने हैं। आश्रम तो हम लोगों ने बहुत देखे हैं, लेकिन ये कुछ तो हटके हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, आज तक किसी ने कोई भी वीडियो में ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है। तो आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, ये हमारा दावा है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लंबा इसीलिए होगा क्योंकि ये जगह कम समय में कवर करना, इतना सारा मल्टीपल एक्टिविटीज है, सभी को कवर करना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आप लोग पेशेंस रख के वीडियो को वॉच करेंगे और आप लोगों को पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन ये सेंटर के बारे में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई वेलकम यू बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। ये जो जगह है, ये जगह का नाम है 917 बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अगर आप गुवाहाटी से आते हो तो दो वे आपको मिलेगा, एक है हाजो करके एरिया है, बहुत फेमस एरिया है, और एक है बाईहाटा चाराली। अगर आप नेशनल हाईवे 31 होके आओगे तो बरपेटा पहुंचते ही आप किसी को पूछ लीजिए 917 आश्रम, उसका डिटेल्स बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 917 आश्रम बोलिए, आपको लोग बता देगा। द प्लेस इज वेरी क्लीन, यू हैव टू ओपन योर फुटवेयर आउटसाइड, देयर आर फैसिलिटीज फॉर कीपिंग योर फुटवेयर आल्सो। द एंट्रेंस हैज अ लॉट ऑफ वेजिटेशन, फ्लावर्स एंड गार्डन्स ऑन ईच साइड। द इंटीरियर ऑफ द आश्रम इज वेरी बिग, स्पेसियस एंड क्लीन। द एटमोस्फेयर वुड गिव ऑल द विजिटर्स ए होली फीलिंग। द ऑफिस रूम इज situated on the very entry point to inquire about any questions regarding the events and timing of the ashram. There is also place for arranging wedding ceremony for the Krishna Guru community people. Wedding reception are arranged traditionally with pure waste food according to the protocol of the Krishna Guru community. There is enough parking outside the ashram. There are also food outlets outside the ashram, so you must visit. आपको एक बार आना ही चाहिए आपके फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो चलिए ज्यादा बात किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ बने रहेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बर्मन्स ब्लॉग का वीडियो अगर आप नए से वॉच कर रहे हो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात बता देता हूँ, एक्चुअली यहाँ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट गुरुजी से हमारा मुलाकात हो गया है और हम लोगों ने परमिशन लिए हैं, फिर उन्होंने दो रिप्रेजेंटेटिव जो प्रभु बोलते हैं तो हमारे साथ दिए हैं, और उन्हीं लोगों ने हम लोगों को इट्स एन एवरी पॉइंट विजिट करवाएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे ये वीडियो के थ्रू। कृष्ण, আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত কথা পাতিলো, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কে সাথ হাম লোক বাত কৰিলে হে, আৰু ইয়াহা কা জো প্ৰভু হে, প্ৰভুনে হাম লোক কো পৰমিশন দিয়ে হে ভিডিওগ্ৰাফী কৰনে কা, আৰু ইসকে জো সেন্টাৰ হে, ইয়ে সেন্টাৰ কে বারে মে ডিটেইলছ বতানে কে লিয়ে, তো হামারে সাথ ইয়ে প্ৰভু দো আয়ে হুয়ে হে, ইয়াহা সম্বোধন কৰনা হে, তো আপকো প্ৰভু নাম সে হি কৰনা হে, আৰু কৃষ্ণ গুৰু তো বোলকে ইয়ে কৰনা হে, তো চলিয়ে মেৰে সাথ ভিডিও মে বনে ৰহিয়েগা, হাম আগে বঢ়তে হে পুৰা 1-1 स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये डिटेल बताएंगे। बहुत सारे ये शरणार्थी बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ, अभी प्रसाद बांटे हैं दोपहर का, लोग प्रसाद सेवन कर रहे हैं। चलिए हम लोग, ये कीर्तन घर है जो मेन सेंटर है, अंदर हम लोग जाएंगे अभी। कृष्ण गुरु ईश्वर श्री शरण अटकोटी बार प्रणिपात जनाइसु, लगते श्रद्धार चिर नमस्य जगत गुरु गुरु कृष्ण प्रेमानंद ईश्वर प्रभु শ্রী চৰণত অতকোটিবাৰ প্ৰণিপাত জনাই ভগৱন্ত কৃষ্ণ ঈশ্বৰৰ মহাবাক্য অনুসৰি আজি আমাক প্ৰভু ঈশ্বৰে বাক্য কৰিছে যে আশ্ৰমৰ বিষয়ে কিছু কথা প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বাক্যই বচনে আমাৰ ভুলকুটি হ'ব পাৰে, সেয়েহে আমি আগতীয়াকৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা
मांगी। तो ये है प्रार्थना, और कुछ गलतियां हो सकते हैं हम लोगों को बोलते बोलते, तो इसीलिए ये प्रार्थना करके कि अगर कुछ गलतियां बोल भी देते हैं तो आप लोग हमको क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। এইটো আপোনাৰ অক্ষয় বন্তি বুলি কয়, নন ষ্টপ জ্বলি থাকে প্ৰভুৰ চৰণত, ইয়াতে মানে তেলটো দি থাকিব লাগে। হয়, ইয়ে তেল জো হে একচুৱেলি মাষ্টাৰ্ড অইল হে, ইয়াহা ডালনা পৰতা হে, আৰু ইয়ে জৈছে ইয়ে ষ্টাৰ্ট হোৱা থা জি তবছে ইয়ে আজ তক বন্ধ নহি হোৱা আৰু বন্ধ নহি ভি হোগা। ভগৱন্ত কৃষ্ণ গুৰু ঈশ্বৰ প্ৰভুয়ে এই ধৰা ধামলৈ আহি 1976 চনত কৃষ্ণ গুৰু হেমাশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেতিয়াৰ পৰাই এই বন্তি গছি জ্বলাই আছে। 1974 से जब यहाँ का मेन प्रभु था, गुरु था, वो गुरु ने ये दिया जलाए थे और तब से ये दिया आज तक जल रहे हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये भाज घर बोलते हैं, यहाँ का जो मेन गुरु है 1974 में जिन्होंने ये सेंटर को डेवलप किए थे, 1974 से यहाँ से मतलब वो प्रणाम भगवान को नाम लिया करते थे, है ना, तो तब से इसको बोलते हैं भाज घर। ये जो दिया है ये कभी कभी बंद भी हो जाते हैं क्योंकि ये अक्षय नहीं है, तो अक्षय दिया जो है वो सामने हम लोगों ने दिखाया। हाँ, यहाँ संस्था का जो भी व्हीकल्स है उसके अलावा दूसरा कोई व्हीकल्स यहाँ एंटर नहीं कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इफ़ यू आर विजिटिंग इन सानी और हॉर्टे देन डू कीप इन माइंड दैट एनी काइंड ऑफ फुटवेयर इज नॉट अलाउड इनसाइड द कैंपस। द एस्फल्ट रोड एंड कॉन्क्रीट गेट्स टू हॉट टू स्टेप फॉर वॉकिंग, विजिट प्रिफरेबली इन विंटर्स और क्लाउडी डेज। ये मणिकूट में हम लोग अभी अंतर करेंगे, ये देखिए आगे चलिए। इसको मणिकूट बोलते हैं, यहाँ जो प्रभु है वो प्रभु सुबह उठते ही यहाँ आते हैं, यहाँ फ्रेश व्रेश होते हैं और यहाँ से फिर उनका जो गृह है जाते हैं, है ना। बहुत ही सुंदर से आर्टिस्टिकली प्लानिंग के साथ ये पूरा सेंटर को सजाया गया है। यहाँ ये दिया लगाने का रेक लगा के रखे हैं, जब डिवोटीज आते हैं दिया लगाते हैं इधर, तो यहाँ एक जगह है, एक कुआ रखा हुआ है जिसका पानी अगर आप पियोगे कोई भी आपको बीमारी होता है तो मेडिसिन के जैसा काम करता है। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ से पानी उठा के बोतल में भर के ले जाता है, तो आप लोग भी आओगे तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं कृष्ण धाम, जो प्रभु ईश्वर थे यहाँ का गुरुजी, और गुरुजी ने यहाँ पहले जो उनका डिवोटीज था उन लोगों को यहाँ नाम प्रसंग यहाँ किए थे। हम लोग अभी जो यहाँ का प्रभु थे प्रभु ईश्वर, उनका शरण जो है वो रखा हुआ है प्रिजर्व करके, यहाँ हम वो दिखाएंगे। ये देखिए उनका पाव है, शरण है। पहले पहले जो साधना किए थे प्रभु ईश्वर जिन्होंने ये सेंटर को बनाए थे 1974 में, तो ये पहला घर है। सराउंडिंग देखिए कितना बढ़िया, इको फ्रेंडली, यहाँ पूरा क्लीन है, ग्रीनरी है। आप लोग आइएगा यहाँ, बहुत मतलब सुकून मिलता है, यहाँ आते ही मन प्रफुल्ल हो जाता है और भक्ति नाम का एक कुछ तो फील होता है। तो ये है प्रधान जो साधना गृह है, वो पहले जो प्रभु ने किए थे, तो यहाँ उनका वो सभी चीजें जो है मेमोराइज करने के लिए हिस्ट्री बढ़िया से प्रिजर्व करके रखे हैं। कितना सुंदर से चिड़ियाघर भी बना के रखे हैं, कुछ एनिमल्स भी है, ये देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। हर एक जीव का नाम भी रखा हुआ है। बहुत ही ये एक अच्छा काम किए हैं ये सेंटर ने, इतना बढ़िया सम्मान दिए हैं, प्यार किए हैं। देखिए कितना सुंदर, ये बोलते हैं पदुम पुखुरी, ये पूरा कमल से भरा हुआ है, थोड़ा सा दिखा देते हैं, इतना सुंदर। ये देखिए फुट ब्रिज भी, अच्छा ये एक बैम्बू का आर्टिस्टिक लुक दिया हुआ है, लेकिन ये कंक्रीट वाला होगा, सीमेंट से बना हुआ है लेकिन एकदम पूरा बैम्बू जैसा दिखता है। ये देखिए कमल, लोटस पूरा एकदम लगे हैं, अभी ब्लूमिंग हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त, वाह मजा आ गया। लेकिन
यहाँ का प्रभु ईश्वर अगर बाहर जाते हैं तो यहाँ का जो भी पुलिस है तो वो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि वो जाते तो लोग भर जाते हैं रास्ते में, पूरा ट्रैफिक भर जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करके रखे हैं। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं जो सुवर्णपुर बोलते हैं, ये जगह का नाम है सुवर्णपुर। और ये सुवर्णपुर नाम क्यों हुआ है बताएगा प्रभु जो दो मेरे साथ आए हुए हैं। देखिए कितना आर्टिस्टिकली एक नेचुरल फील करवाने के लिए बना के रखे हैं, सच में मजा आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं इसके बारे में ये सुवर्णपुर नाम क्यों हुआ है। जय कृष्ण। प्राय 500 বছৰ আগতে শংকৰদেৱৰ শিষ্য ধৰ্মদেৱ আছিল আৰু ধৰ্মদেৱৰ শিষ্য মনোহৰদেৱ। এই মনোহৰদেৱে শিষ্যসকলক লগত লৈ এই ঠাই পাইছিল আৰু এই ঠাই যেতিয়া পাইছিল তেতিয়া শিষ্যসকলৰ পিয়াহ লাগিছিল। গুৰু ঈশ্বৰে পানীৰ সন্ধান কৰিবলৈ দিলে, চাৰিওপিনে চালে পানী নাই। অৱশেষত গুৰু ঈশ্বৰে গাঁত বিচাৰিব দিলে। শিষ্য এজনে নিৰিখি নিৰিখি এটা কেঁকৰা গাঁত দেখা পালে আৰু সেই কেঁকৰা গাঁতটোত মনোহৰদেৱে পিন্ধি থকা সোণৰ আঙুঠি এটা সেই কেঁকৰা গাঁতটোত নাম স্মৰণ কৰি সোমাই দিয়ে আৰু সোমাই দিয়াৰ লগে লগে তাৰ পৰা পানী উপচি আহে, এটা কুঁৰৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ কাৰণে এই ঠাইৰ নাম সুবৰ্ণপুৰ। ये समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, हिंदी में भी बोल देता हूँ। यहाँ जो प्रभु थे और प्रभु का शिष्य लोग थे तो वो लोग आते आते यहाँ जब पानी उन लोगों का प्यास लगे, प्रभु को अवगत किए थे कि हम लोगों को प्यास लगे हैं, है ना। तो उसके बाद प्रभु ने क्या किए है कि पानी का अनुसंधान करते करते वो मिल नहीं रहा था तो एक उनका शिष्य ने बताया है प्रभु यहाँ से पानी निकल रहे हैं थोड़ा सा, तो वो प्रभु को नजर में आ गया और उन्होंने उनका जो रिंग था हाथ में सोने का, वो सोने का रिंग उसी में डाल दिए हैं जहां से पानी निकल रहा था थोड़ा थोड़ा, ककड़े का एक छोटा सा होल था तो वहां जो उनका रिंग था तो वो रिंग वहां डाल देने के बाद पानी ही पानी भर गए हैं। तब से हाँ एक कुर वहां बढ़ जाते हैं बहुत बड़ा, फिर वो उसको सुवर्णपुर नाम दिया जाता है। দাপৰৰ শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া অৱতাৰ আছিল তেতিয়া কুণ্ডিল নগৰ আছিল, আজিকালি শদিয়া হ'ল, যেতিয়া ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি আনে শ্ৰীকৃষ্ণই, ইয়াতে এনিশা আছিল। তেতিয়া ৰুক্মিণীয়ে সুধিছিলে প্ৰভু ইয়াতে যে ইমান সৈন্য সামন্তই খেদি আহিছে আমাক আৰু তুমি যে ইয়াতে ৰলা কাৰণ কি? তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুক্মিণীৰ আগত কৈছিলে যে কলিৰ শেষত যেতিয়া কল্কি অৱতাৰ ধৰি মই অৱতাৰ হ'ম, ইয়াতেই মই অৱতাৰ ধৰি কৃষ্ণগুৰু এক নাম বিতৰণ কৰি গোটেই জগতবাসীৰ মংগলৰ কাৰণে মুক্তিৰ পথ দি যাম। এই সুবৰ্ণপুৰতে 12 বছৰ কাল নন ষ্টপ সাধনা কৰিছিল আৰু তেতিয়া ইয়াত গোটেই হাবি জংগলেৰে ভৰা আছিল। ইয়ালৈকে মানুহ আহিলে এজন নাহে দুজন নাহে, দল বান্ধি আহিছিল ভয়তে, এবুকু একাঠো এনেকুৱা পানী মানে ভাঙি ভাঙি ইয়ালৈকে আহিছিল আৰু ইয়াতে তেতিয়া দলৰ ব্যৱস্থা নাছিল, ভেলেৰে মানি আহিছিল। तो लोग मतलब ग्रुप होके लोग यहाँ आते थे क्योंकि डरते थे लोग उस समय पे। यहाँ का जो प्रभु है वो प्रभु यहाँ 12 साल उन्होंने तपस्या किए थे। अच्छा अच्छा, ये गुफा है और ये गुफा से हम लोग अंदर जाएंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। ये देखिए गुफा, और गुफा से हम लोग जाएंगे जहाँ यहाँ का प्रभु जिन्होंने अकेले यहाँ बैठ के तपस्या किए थे। देह तो जीहे चौबीस तत्व गठित यही प्रभुश्वर ये तत्व कारण प्रभुश्वर चौबीस आसन आ चौबीस जन आसन नन स्टप बहि थके। ये देखिए यहाँ बहुत सारे सांप मिलता है बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पहले भी बहुत जंगली जानवर यहाँ थे ना, और ये प्रभु लोग बोले हैं कि यहाँ सांप रहता ही है। 24 जो ये आसन है, ये 24 आसन में 24 भक्त ने यहाँ बैठ के 7 डेज का नॉन स्टॉप अखंड पाल नाम चलाते हैं। और ये सांप भले ही वो जहरीले होते हैं लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लोगों को। चलिए ऊपर चलते हैं। अभी फिलहाल का जो गुरु है वो गुरु कृष्ण प्रेमानंद उनका नाम है, और उन्होंने अभी पूरा ये सेंटर को एडमिनिस्टर करते हैं। मेन जो प्लेस है जहाँ गुरु ने 12 साल बैठ के साधना किए थे वो यही है,
तो हम लोग दिखाएंगे थोड़ा सा नज़दीक से आप लोगों को। वो जंगली जानवर के बीज में बैठ के भी उन्होंने 12 साल मनुष्यों के रूप में आके यहाँ वो तपस्या किए थे। बहुत जहरीली सांप रहते थे उस समय पे, लेकिन वो प्रभु को कुछ नहीं करते थे, तो वही का एक नमूना हम लोगों ने दिखा ही दिए हैं। और वो जो जहरीले सांप है उनका भी एक हिस्ट्री है, मतलब उन लोगों को भी ये प्रभु ने शरण दिए थे। उसी समय से जो भी जहरीले सांप है यहाँ मारना माना है, कोई भी जीव को यहाँ मारना माना है उनको पालना ही चाहिए और प्यार करना चाहिए, और तभी से वो जो जहरीले सांप है तब से वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। ये है मेन सुवर्णकुर जो मैंने बताया था कि पानी निकाले थे, वो सुवर्णकुर ही जाके नदी बन गए हैं। ये नदी का नाम ही सुवर्णकुर है। यहाँ जो कछुआ मछली है वो यहाँ मारना माना है, मतलब यहाँ कोई भी जीव को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। कोई लाइट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ नहीं है, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपको अलाउड है ये सुवर्णपुर एरिया के बाहर। ये सुवर्णपुर एरिया पूरा प्रिजर्व करके रखे हैं, प्रोटेक्ट करके रखे हैं। यहाँ सिर्फ डिया से ही आपको उजाला करना पड़ेगा। ये जो आप गेट देख पा रहे हो वो गेट के बाहर उस साइड में ही आपको ये सब सुविधा मिलेगा। ये बर्मन्स ब्लॉग का सब्सक्राइबर्स बर्मन्स ब्लॉग फैमिली के लिए एक शोभा की बात है। एक्चुअली यहाँ कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट इट इज़ फॉर्चुनेट कि हम लोगों को प्रभु ने अलाउ किए हैं करके, हम लोगों को उनका दो रिप्रेजेंटेटिव भी प्रोवाइड किए हैं, इसीलिए हम लोग ये वीडियो अभी बना पा रहे हैं, आप लोगों को दिखा पा रहे हैं। यहाँ कोई सरकार का कोई भी एक भी रुपया का कोई अनुदान नहीं है। यहाँ इनका जो भक्त है वो टोटल 1,90,00,000 भक्त है, डिवोटीज, जिन्होंने अगर एक दिन में एक भी रुपया अगर यह दान देते हैं तो 1,90,00,000 रुपीज एक ही दिन में इकट्ठा होता है। तो कोई सरकार का अनुदान ये लोग कभी मांगते भी नहीं है और लेते भी नहीं। ना भी एसेट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ तो सभी चीजें जो है वो भक्त का, जो डिवोटीज का अनुदान है, उन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और इसमें कोई सरकार का अनुदान नहीं है। सरकार सिर्फ गुरु को बाहर जाने के लिए वो पुलिस जो प्रशासन है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत भीड़ लग जाते हैं, जिसके वजह से वो सरकार उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखे हैं। ये देखिए एक नमूना, बहुत बढ़िया हैंडलूम वीविंग स्कीम फॉर डेस्टिट्यूट वीवर्स। ये देखिए कितना बढ़िया से एक सेंटर बनाए हैं वीविंग का, और मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया भी हूँ कि आसाम इज़ फेमस फॉर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। ये सभी देखिए लूम्स यहाँ लगा के रखे हैं, और ये सेंटर के अंदर में ये अभी जो कर्मचारी लोग हैं, यहाँ जो भी लोग लगे हुए रहते थे तो वो सभी छुट्टी पर गए हुए हैं, तो ये भी एक सेंटर एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही बढ़िया सुविधा बना के रखे हुए हैं। सच में एनकरेजिंग अप्रिशिएटिंग इनिशिएटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटर। हर 12 साल के बाद एक महीने का पाल नाम रहता है, जो नॉन स्टॉप नाम रहता है, अखंड, मतलब वो कंटिन्यूस वो चलता रहता है। जनवरी 5 तारीख से शुरू होगा, जनवरी 5 से ये चालू हो जाएगा, फरवरी 6 तक। तो आप लोगों को अगर सुविधा मिलता है तो आप लोग आ जाइएगा, और वो अखंड पाल नाम जो है उनका हिस्सा बनिएगा। ये जो आप लोग टावर देख पा रहे हो ये टेलीकॉम का कोई टावर नहीं है, ये जो हम लोगों ने आप लोगों को कीर्तन घर दिखाया था, तो कीर्तन घर के ऊपर में मेन मत है, तो ये 308 फीट का है, और शायद में एक और भी है 108 फीट का धर्म ध्वजा मत, तो वो भी दिखा देते हैं, जो कि 108 फीट का टावर में लटका हुआ है। बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स लोग आते रहते हैं, सभी फैसिलिटीज यहाँ मिलेगा, सुंदर सा नज़ारा, बहुत चीज़ें आर्टिस्ट के लिए बढ़िया से सजा के रखे हैं। ये धर्म ध्वजा जो है ये गेट से एंटर करते हैं, हम लोग देखते हैं कितना बढ़िया से सम्मान दे के रखे हैं। यहाँ आप लोग आओगे तो एकदम बिल्कुल तो लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये जो तवर है ये मठ है, मठ बोलते हैं, धर्म ध्वजा मठ बोलते हैं, ये 108 फीट लंबाई है। चलिए हम लोग यहाँ से निकलेंगे और दूसरा चीज़ें देखेंगे। यहाँ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये सभी चीज़ें, लाइब्रेरी वगैरह भी हैं,
फिशरी भी है, सभी चीजें लेकिन बहुत ही बढ़िया से सजा के रखे हैं। हम लोग अंदर जा जा के आप लोगों को दिखाएंगे। ये लाइब्रेरी हम लोग दिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया। एक राउंड लगा के आते हैं पहले, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। एक चक्कर लगा दिया हूँ, फिर लगा के एंट्रेंस से हम लोग अंदर जाएंगे। चलिए प्रभु आगे बढ़िए। পৰম গুৰু ইয়াৰে, আৰু কাষতে তেখেতৰ পুত্ৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ যিজন আমাৰ গুৰু তেখেতৰ ফটো, গুৰু কৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ। মই কৈছিলোঁ যে আপ লোক অগৰ আয়েগে তো ইয়াৰ চে ইয়ে চিজে লে সকতে হ। ইয়াৰ কোই জাত वेद कोई कुछ नहीं है, कोई भी जात के लोग यहाँ आ सकते हैं। मानव एक जाति है, सिर्फ यही मानना है यहाँ के लोगों को। कोई भी मानव हो तो आप आ सकते हो, आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ भक्त आप बन सकते हो यहाँ आके। तो आइए हम भी ऑन बिहाफ ऑफ दिस आश्रम वेलकम करते हैं आप लोगों को। चलिए और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये है अलका गंगा। तो यहाँ फिश एक्वेरियम में लोग देख पाते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर से हमको देखना पड़ेगा। यहाँ आप कोई भी मछली वगैरह मार नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो। ये सिर्फ पालने के लिए ही रखा हुआ है। कछुआ भी है इधर, और बोटिंग का भी व्यवस्था रखे हुए हैं। ये पानी जो है इसमें कोई पाँव नहीं लगा सकते हैं, और ये पानी मुँह में भी नहीं लगा सकते हो, सिर्फ आप ये छू सकते हो। ये फिश आप लोग देख पा रहे होंगे, जीव को यहाँ पूरा प्यार से रखते हैं। और यहाँ बोटिंग का भी व्यवस्था किया गया हुआ है, तो कोई आते तो यहाँ बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। प्रभु हमको बोले हैं कि यहाँ कोई अगर मछली मर जाते हैं, कछुआ अगर मर जाते हैं, तो उसको यहाँ से खाया भी नहीं जा सकता। यहाँ से उठा के वो लोग क्या करते हैं, गड्ढा बना के उसको सम्मान से गाड़ देते हैं। जैसे कि समाधि होते हैं लोगों का, तो उसी हिसाब से उनको भी अंत्येष्ट क्रिया किया जाता है। ये आप लोग मत जो देख पा रहे हो, कमल का पदुम मत बोलते हैं। तो इसमें कुछ तो रहस्य है जो कि कॉन्फिडेंशियल है और कभी बताते नहीं किसी को। ये देखिए वॉल में कितना बढ़िया से ये ड्राइंग पेंटिंग किए हुए हैं, हर एक वॉल में बहुत ही आर्टिस्टिक लुक दिए हैं। यहाँ आने से आपको जाने का मन ही नहीं होगा, और एक ही दिन में ओवर करना बहुत मुश्किल वाली बात है। ये सेंटर जो है, प्रणाम करने वाले जो आश्रम है यहाँ का, वही हमारा खत्म हुआ नहीं अभी। और हमको उधर जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो दिखाने की बाकी है ही है अभी। तो बहुत समय लगता है, लेकिन समय लगने से भी मजा आ जाता है। फील नहीं होता है कि हम लोग इतना समय यहाँ बिता रहे हैं। केजी से लेके यूनिवर्सिटी डिग्री तक आप लोग ले सकते हो। कोई अगर यहाँ केजी में एडमिट होते हैं, तो लास्ट एकदम खत्म होने तक वो उनका पढ़ाई वो खत्म कर सकते हैं। ये जो आप लोग ग्लास वाला घर देख पा रहे हो, हम लोगों को भी देख पा रहे होंगे वहाँ ग्लास में हम लोग भी। तो ये है एक म्यूजियम यहाँ का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ताला अभी लगा हुआ है, म्यूजियम फिलहाल बंद है, तो हम लोग दिखा नहीं पाया। फिर भी आप लोग एक ओवरव्यू देख लीजिए। ये वैकुंठ धाम है, हॉस्टल है, और यहाँ कोई भी आके हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। इनका अपना यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, तो हजार हजार लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिले हैं। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, थोड़ा सा अंदर जाके प्रिंसिपल साहब से मिल के आते हैं। कॉलेज का प्रिंसिपल साहब से हम लोग मिले हैं, और प्रिंसिपल साहब ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता देंगे। पहली बार स्टार्ट हुई यहाँ आश्रम में इंडिया 2009, एंड सिंस देन द कॉलेज इज रनिंग स्मूथली, टेकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम एंड प्लेसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दो दिस एरिया इज ए बिट बैकवर्ड सोशियो इकोनॉमिकली, still we are getting a number of students. The center is very much important in providing such a beautiful services to the students, our students. So science and technology center bahut kam hi hai.
बहुत कम ही है, कम ही है। और हाँ, ये हमारा सौभाग्य की बात है इतना इंटीरियर प्लेस में परम गुरु कृष्ण गुरु प्रभु के आशीर्वाद से ही यह शुरू हुआ और उसी से हम लोग को बहुत ये सर्विस मिले है इन अराउंड द एरिया ऑफ द लोअर असम। तो सर आप कब से ये कॉलेज में प्रिंसिपल वर्किंग है आर सिंस 2009 सर यहाँ इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है। तो चलिए सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया है और हम लोग थोड़ा सा दिखाएंगे आप लोगों का जो भी बाकी जो सेंटर्स है एसोसिएटेड तो वो हम लोग थोड़ा सा दिखाएंगे। चलिए सर थैंक यू सो वेरी मच, कृष्ण कृष्ण। हम इतना हाईस्कूल गई आसो और रास्ते साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज उलाये हाईस्कूल प्रिंसिपल सारक आम पाई रास्ता तहतर स्कूल गई आसो कि स्टूडेंट आज सर approximately 600 plus student 600 plus students hoy hoy aro ei school kon ketiar pora start hoisile etu amar established hoise 10th january 1994 apuni ketiar pora jorito hoye moi yate 2000 sonor pora asu duta madhyamoti amar yate hikoa hoy english and assamese medium apuni basically kor pora মই একচুয়ালি আই বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন শিলং 2000 সনতে ইয়াতে জয়েন করেছো এজ এন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সিন্স দেন আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং বাই হিজ হলিনেস ব্লেসিং বর্তমান মানে প্রিন্সিপাল চিফ হিসেবে আমি কাম করে আছি। দিস ইনস্টিটিউশন আমার কৃষ্ণগুরু বিদ্যাজ্যোতি ইংলিশ এন্ড অ্যাসামিস মিডিয়াম ইট প্রোভাইডস দ্য স্পিরিচুয়াল এডুকেশন টু অল দ্য স্টুডেন্টস। তো আধ্যাত্মিক ক্লাসটো মানে আমার এভরি টিউজডে হয়, কেতিয়াবা গুরুকৃষ্ণ প্রেমানন্দ প্রভুয়ে আমার ক্লাস লয়, কেতিয়াবা ভক্তিমাতৃ আই এখেতেও ক্লাস করে। এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা নথকার কারণে এলোকে বিভিন্ন সময়তে বিভিন্ন কারণতে কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা পাওঁ যে স্টুডেন্টজনে ভালকে একাডেমিক পারফরমেন্স যেটো ভাল নহয় তেওঁলোকৰ পারফর্ম কৰিব পৰা নাই। এই যেটো আধ্যাত্মিক শিক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তি এইটো যদি এজন স্টুডেন্টৰ যদি থাকে তেতিয়া হি ইনষ্টেণ্টলি হি কোপ আপ কৰিব পাৰে। তো সেইখিনি ক্লাস কৰা হয় আধ্যাত্মিক ক্লাসটো আৰু ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আৰু আমাৰ ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰ ডাঙৰকৈ আমি আদিগুৰু সেৱা দিৱসটো আমি ইয়াতে উদযাপন কৰোঁ, যিটো আমাৰ গুৰুজনাই অলৰেডি কৈ গৈছে যে প্ৰত্যেক বছৰতে 25 অক্টোবৰতে আমি আদিগুৰু সেৱা দিৱস ইয়াতে উদযাপন হয়। ষ্টুডেণ্টছবিলাকক মা দেউতাক সেৱা কৰা, ভক্তি কৰা, মা দেউতাৰ কথা মানা এইবোৰ বস্তুবিলাক আমি তেওঁলোকক এটা মেছেজ এটা দিয়া হয় তেওঁলোকক, যাতে তেওঁলোকে বাহিৰতো যাতে সেই মেছেজটো আমাৰ বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ আছে তেওঁলোকক দিব পাৰে। 5 ছেপ্টেম্বৰতে আমাৰ যিটো শিক্ষা গুৰু সেৱা দিৱস, যিটো টিচাৰ্ছ ডে বুলি কয় কিন্তু গুৰুজনাই ইয়াতে আমাক কৈছে যে শিক্ষা গুৰু সেৱা দিৱস বুলিহে ক'বা তোমালোকে, তো সেইটো আমাৰ ইয়াতে উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা? এজ পাৰ এজ আৱাৰ এইচ এছ এল চি ৰিজাল্ট ইজ কনচাৰ্ণ, ইন দ্য ইয়াৰ 2004 the first batch they appeared the HSLC examination. Okay. And in the year 2004 one of our student Mr. Dhitiman Deka, okay, he secured the position 16th position. So consistently our students are performing well in the HSLC examination. Okay. And our students are securing minimum 80% marks. And again in the year 2016 another student is he secured 17th position. Wow. In the HSLC examination every year you can say. Yes. Yes. যিটো স্কিলৰ কথাটো, যিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকক আমি পঢ়াৰ বাহিৰেও এই স্কিলটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি আছোঁ আমি, আৰু ষ্টুডেণ্টছবিলাক যাতে ছেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, স্বাৱলম্বী যাতে হয়। আজিকালি তেনেকুৱা চাকৰি বাকৰিও নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰব্লেমবিলাক এৰাইজ হৈ আছে, ক'ৰবাত ছিট নাপায় কিবা নাপায়, তো মানে এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকৰ মনটো পূৰা ভাঙি যায় যে মই এইটো লাইনত পঢ়িলোঁ মই একো কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু তাৰ এটা অল্টাৰনেট কিবা উপায় আছে নেকি যে এইটো লাইনত যাই যাতে মই ভাল কৰিব পাৰোঁ, ৰাইজ কৰিব পাৰোঁ, মই সমাজক কিবা এটা দিব পাৰোঁ, দেশক কিবা এটা দিব পাৰোঁ, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ষ্টুডেণ্টছবিলাকক ট্ৰেইন আপ কৰা হয়। তো এপ্ৰিচিয়েটিং ইনিচিয়েটিভ অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ স্কুল এণ্ড ইভান দি মেনেজমেণ্ট অফ দিছ আশ্ৰম, চ' ভেৰি নাইচ বিকজ দে আৰ ট্ৰাইং টু বিল্ড দ্য কেপাচিটি অফ ইটছ এণ্ড এভৰি ষ্টুডেণ্টছ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট যো বাত কিয়ে হে তো সচ মে ও বহুত আচ্ছা লাগা। তো চলিয়ে স্যার মিলেঙ্গে আর নেক্সট টাইম মিলনে কি উম্মীদ রাখতে হ্যাঁ। ইউ আর মোস্টলি ওয়েলকাম টু দিস প্লেস। ইয়া ইয়া থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। ইয়ে দেখিয়ে ইন লোগো কা আপনা জো ইউনিভার্সিটি হ্যায় इसका नाम है कृष्णा गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। थोड़ा सा हम लोग वैसे ही ओवरव्यू दे देते हैं, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज डिटेल में जाएंगे तो और बहुत ज्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा। और
प्रभु लोग हम लोगों को बोल रहे थे कि वाइस चांसलर से आपसे भी मिलते हैं, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे जनवरी 5 को जब अखंड पाल नाम होगा तभी यहाँ आने की हम लोग कोशिश करेंगे जरूर, एक महीने वाला जो प्रोग्राम बताया था। ये है कॉलेज का गेट जो कि कृष्णा गुरु महाविद्यालय सन 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था। थोड़ा सा अंदर जाके राउंड लगा के आ जाते हैं तो ये कृष्णा गुरु सेवाश्रम जो है ये टोटल 750 बीघा मतलब 750 बीघा और वो स्क्वायर फीट में अगर आप काउंट करोगे तो 1,06,47,000 स्क्वायर फीट उतना इनका पूरा एरिया कवर किया हुआ है। तो ये कॉलेज में हम लोग एंटर कर लिए हैं, थोड़ा सा ऐसे ही एक राउंड दिखा देते हैं, एक व्यू दिखा देते हैं हम लोगों को। आगे आप लोग देख पा रहे हो ये बॉयज हॉस्टल है। मी आमार लगत थका गुरुई दिया गुरु भक्त ए दुजन प्रभु आमार लगत गुटेई सेंटर टू आमाक देखुआले आजि तार कारणे आमी आमार बर्मन्स ब्लगर तरफर परा बर्मन्स ब्लग के तरफ से हम लोग इन लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं, इतना समय दिया हम लोगों को, अंदर में आश्रम के अंदर में खाना वाना खिलाए हैं, इतना बढ़िया हॉस्पिटलिटी दिए हैं तो उसके लिए हम लोग हमेशा आभारी हैं। और बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ रह गया है लेकिन वो कवर नहीं हो पाता है क्योंकि वो लंबा हो जाता है वीडियो, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी फिलहाल इसको स्किप किया है। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पैरामेडिकल फैसिलिटीज़ है और विवाह भवन वगैरह वो सब चीज़ें हम लोग एक उम्मीद करते हैं और इन लोगों ने हमको बुलाए हैं यहाँ रहने के लिए भी हम लोगों को इनविटेशन दिए हैं, आके हम लोग रह के इसका जो भी वीडियो है बना सकूंगा तो कोशिश करेंगे दिल जान लगा के आने की, अगर हो सके तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग जरूर ये कर पाएंगे। और अभी जो है प्रभु दोनों हम लोगों को उन लोगों का इंट्रोडक्शन नाम वगैरह बता देगा, फिर हम लोग यहीं पे ये वीडियो को समाप्त करेंगे। मेरा नाम श्री विमल मरान है, मैं सरायदेव जिला का जजली चक्र का है। हमारा नाम श्री मालव्य दास खरसई गाँव दर्शन करते क्या फुलकटी हो पे हम সমস্তসমূহ রাইজৰ ওচৰত আমি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ। থেংক ইউ সো মাছ, আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ ইমানতে। জয় কৃষ্ণ গুৰু, কৃষ্ণ গুৰু, জয় কৃষ্ণ গুৰু, জয় কৃষ্ণ গুৰু, জয় কৃষ্ণ গুৰু, জয় কৃষ্ণ।